अब हम अपने ऑटो रिफ्रेश टोकन वाले फीचर को टेस्ट कर लेते हैं। और टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे ऑथ कंट्रोलर में, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हम साइन कर रहे हैं अपना एक्सेस टोकन, वहाँ पे हम इसका जो एक्सपायरी टाइम है उसको कम करके 1 सेकेंड कर देंगे। यहाँ पे 1 सेकेंड, और यहाँ पे भी 1 सेकेंड। इसके अलावा हमें एक काम करना पड़ेगा अपने इंटरसेप्टर में। यहाँ पे जो हमने स्टेटस कोड यूज़ किया 401, इसके अलावा ये पॉसिबिलिटी भी है कि हमें जब डेट जब हमारा टोकन एक्सपायर हो तो हमें 500 मिले। तो यहाँ पे हम कर देंगे एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500। अब अगर हम अपनी ऐप पे जाएं यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, user3 माय पासवर्ड 2, और लॉगिन करने के बाद हम अपनी API कॉल्स को मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे नेटवर्क में हम देखते हैं कि जब हम किसी प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट पर क्लिक करें तो यहाँ हमारा जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट थी हमारी ऑल वाली, वहाँ पे हमें स्टेटस मिला 500। तो हमारा इंटरसेप्टर वहाँ पे आ गया और इसने रिफ्रेश वाला एंड पॉइंट हिट किया। वहाँ से जब इसको स्टेटस को 200 मिला तो वापस हम ऑथेंटिकेट हो गए। उसके बाद इसने यही जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट थी ऑल वाली, उसी को इसने दोबारा कॉल किया। और यहाँ पे ये दो दो बार इसलिए आ रहा है क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड में रिएक्ट जो होती है वो यूज़ इफेक्ट को दो बार रन करती है।